भारत और अमेरिका की दोस्ती का दम भी दुनिया ने G20 समिट के दौरान देखा है। बाइडेन और मोदी की केमिस्ट्री की चर्चा हर जुबान पर है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिकी डेलीगेशन में एक चेहरा है जो कि सुर्खियों में है, और वो है अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियॉर्ड। उनकी हिंदी जिसने भी सुनी उसके मुरीद हो गए। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत के साथ मार्गरेट मैकलियॉर्ड की हिंदी में खास बातचीत आपको सुननी चाहिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूँ। G20 की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन G20 में हिंदुस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है, मोदी सरकार की जिस तरीके से तारीफ हो रही है, उसके साथ साथ एक शख्सियत की हिंदुस्तान में चर्चा है। तमाम टीवी चैनलों पर आप उनको देखते हैं, वो अमेरिकी हैं लेकिन हिंदी बोलती हैं। नाम है मार्गरेट मैकलियॉर्ड। आप अमेरिकी विदेश विभाग की हिंदुस्तान में प्रवक्ता हैं और अभी आप मेरे साथ हैं। मार्गरेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। ये जो आप हिंदी बोलती, हिंदुस्तान के घर घर में आपकी चर्चा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हिंदी सीखी कहाँ से, और बहुत साफ बोलती हैं, अच्छी हिंदी बोलती हैं। बहुत धन्यवाद जी। मैं कई साल पहले मुखर्जी नगर में रह रही थी, नई दिल्ली में, जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ती थी। मेरे दिवाली छुट्टी पर उत्तराखंड जाकर लांडोर लैंग्वेज स्कूल में व्याकरण सीखने लगी, और उसके बाद मुंबई में काम करने की तैयारी में गुजराती भी सीख ली, और उसके बाद इस्लामाबाद की तैयारी में उर्दू भी सीख ली, और उसके अलावा तो आपको हिंदी, गुजराती, उर्दू सब आती। अभी मेरी गुजराती काफी रस्टी हो गई। तो हिंदुस्तान में कितने साल से हैं आप? काफी साल, बस मैं इतना ही कहूंगी, काफी साल से हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में यहाँ का खान पान, यहाँ के कुछ शहर, क्योंकि आप यहीं का खाना भी खाती होंगी, पसंद भी करती होंगी, तो ऐसा कौन सा डिश है जो आपको ज्यादा पसंद है, हिंदुस्तानी खाना? अच्छा, मैं पसंद नहीं कर सकती, मतलब फैसला नहीं कर सकती। भारत का इतना ज्यादा विविधता है, मैं उसी डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, क्योंकि अमेरिका भी विविधता बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और ये तो हमारा एक शेयर्ड वैल्यू है। राष्ट्रपति ने जो डिनर दिया था वहाँ सिर्फ भारतीय खाने थे, आपने क्या खाया? ये तो जरा निराश की बात है, लेकिन मैं खुद दावत नहीं मिली, लेकिन मुझे रवा मसाला डोसा बहुत पसंद है। मसाला डोसा बहुत पसंद है। मैं अब आता हूँ G20 समिट पर। एक कंसेंसस तैयार किया हिंदुस्तान ने सभी मेंबर कंट्रीज का, और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस कंसेंसस तैयार करने और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी करने को लेकर कई तरह के सवाल थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, रूस का मामला है, यूक्रेन का मामला है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बहुत सारे पश्चिमी देश हैं। हिंदुस्तान ने बावजूद इसके यह किया, इसको कितनी बड़ी कामयाबी आप मानती हैं, और दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज है उसमें कितना इजाफा हुआ है? हमने देखा कि कई मिनिस्टेरियल मीटिंग्स में कंसेंसस नहीं मिल पाते थे, और इंडिया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी चेयरमैन स्टेटमेंट में बहुत अच्छे अच्छे इंटरनेशनली एग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल किया, और जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा, ये शिखर सम्मेलन में कंसेंसस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी खुद नीति कोशिशें के जरिए से आखिरकार दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस लैंग्वेज में हुआ। ये तो बहुत खुश की बात है, और उसके अलावा हम बहुत खुश है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बन गए। अमेरिका पहले से ही उनके मेंबरशिप सपोर्ट कर रहे, सहित्य कर रहे थे, और हम जरूर उनके दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं मुस्तकबिल में। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर खोले जाने की बात हुई है, कहा गया कि 10 साल के भीतर इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया जाएगा। हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरब, UAE और फिर यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह। तो यह जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक राय यह है कि चीन का जो वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी है उसके खिलाफ G20 देशों का ये अपना रोड बेल्ट पॉलिसी है, और इससे चीन को बहुत नुकसान होगा। मेंबर कंट्री चीन है, चाइना भी G20 का मेंबर कंट्री है, और फिर से इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो यह G20 के मेंबर कंट्रीज के फायदे के लिए है या फिर चीन को एक तरीके से टेम करने के लिए है कि उसको उसी जगह पर रोका जाए, विस्तारवादी नीति को रोका जाए?
मैं ये कह सकती हूँ कि अमेरिका समझते हैं कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो अपने शहरियों के लिए, अपनी नागरिकों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं उनके विकास के लिए, और हम इसलिए हमारे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में निवेश करते हैं, और हम समझते हैं कि ये आर्थिक गलियारे बहुत अहम कदम है जिसके तहत हम सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोप और खास करके इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि इन मुमालिकों को सस्टेनेबल, ट्रांसपेरेंट, रेजिलिएंट बुनियादी ढांचे मिल सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं मार्गरेट मैकलियॉर्ड, और जिस अंदाज में और जिस तरीके से शुद्ध हिंदी बोलती हैं, इनकी चर्चा इन दिनों हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है। जिनसे बात कर रहे थे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी।